जय श्री कृष्णा। नीलम के किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हम भरवा करेला, वो भी अलग तरीके से, बिल्कुल अलग तरीके से बनाएंगे। और फ्रेंड, आप मेरे तरीके से बनाओगे तो आपके घर वाले, परिवार वाले, फैमिली वाले को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे भरवा करेला। बार बार डिमांड करेंगे आपसे कि आपने ऐसी रेसिपी कहाँ से देखी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुए आपके भरवा करेले, तो ज़रूर बना के ट्राई करना। चलो बनाते हैं। आज बनाएंगे हम भरवा करेले, भरवा करेले की सब्ज़ी। और हमने ये 500 ग्राम करेले लिए हैं, इनको छील लेंगे, इस करेले को छील लेंगे। इस तरीके से छीलना है, ज़्यादा नहीं छीलना है। ये देखिए, हमने इस तरीके से आपको छीलना है, ज़्यादा नहीं छीलना है। और इसके अंदर का पल्प निकाल लेंगे, पल्प इस तरीके से, ऐसे। और इसका पल्प निकाल लेंगे, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए, और इसका कच्चा है बीज, तो हम इसमें डाल लेंगे। इसको चम्मच की सहायता से ऐसे भी निकाल सकते हैं, उल्टे साइड से ऐसे निकाला है मैंने, ये देखिए। तो आप उंगली से भी निकाल सकते हो और चम्मच की सहायता से भी निकाल सकते हो। अब हम सब करेलों को ऐसे छीलेंगे और ऐसे इसका पल्प निकाल लेंगे। देखिए, हमने सारे करेले को छील लिए हैं और इसके अंदर का भी पल्प भी निकाल लें, इससे भी इस तरीके से। तो इसके बीज भी निकाल लिए, कच्चे बीज थे वो, और पके वाले अलग से निकाल दिए। अब हम डालेंगे इसमें नमक, तो एक चम्मच नमक डाल देंगे और आधी चम्मच हल्दी। तो इसमें निकालेंगे इसको हल्दी मिला के, बीजों को भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला के इसको आधा घंटा की रेस्ट दे देंगे। ये हमने 2 गिलास पानी लिया है और गर्म कर लिया है, हमारा पानी अच्छे से उबल रहा है। और हम थोड़े अलग तरीके से बनाएंगे, कि आपको फटाक से बनाना हो तो इस तरीके से बनाना, ज़्यादा समय नहीं लगेगी। तो इसमें हम डालेंगे एक चम्मच नमक, आधी चम्मच हल्दी, और जिसमें डाल देंगे हम करेले। इसे हम 5 मिनट ढक के पका लेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करना। इस तरीके से उबाल कर बनाना, ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। ढक के 5 मिनट पकाना है। ये देखिए, 5 मिनट हो गए और हमारा करेला अच्छे से पक गया है। जिस 5 मिनट ही पकाना है, अब इसे हम निकाल लेंगे। देखिए, हमने छलनी में निकाल लिया, इसका पूरा पानी सूख जाए, जब तक इसे ठंडा करना है, बिल्कुल इसमें पानी नहीं रहे। ये हमने कढ़ाई रख दी है और हम बनाते हैं, अब तैयारी करते हैं मसाले की। ये हमने लिए सौंफ, 1 चम्मच सौंफ, और
सूप जरूर डालना, सूप से बहुत ज़्यादा टेस्ट बनता है। धनिया और जीरा तीनों को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए हमारा ये धनिया सूप जीरा अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसे गैस को बंद कर देंगे और ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमारा ये ठंडा हो गया है। इनको आधा घंटा हो गया है रखा छिलकों को। अब इसे हम धो लेंगे और पानी को निकाल लेंगे, बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए पानी। इसका पाउडर बना लेंगे। ये देखिए हमने इसका पाउडर बना लिया है, इसे निकाल लेंगे। ये इसका पाउडर है और बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा है। और इस तरीके से पाउडर बना के बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे आपके करेले। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है। अब डालेंगे हम इसमें जीरा और हींग। फिर मैंने मीडियम साइज के दो प्याज लिया है, बारीक काट लिया है। इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मैं डाल रही हूँ ये छिलके, अच्छे से पहले से धो के साथ छिलके डाल देंगे। ये मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, उसको भी हम डाल देंगे और अच्छे से पकाएंगे मीडियम साइज में फ्राई नहीं करना। ये देखिए हमारे करेले के छिलके और पीज और प्याज अच्छे से पक गए हैं। अब इसमें डाल देते हैं हम मसाला। डालेंगे हल्दी पाउडर, हल्दी पाउडर को एक मिनट मिलाकर पकाएंगे। अब डालेंगे हम लाल मिर्च पाउडर, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च, और ये मसाला हमें पीछा था सौंफ धनिया और जीरा का पाउडर, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ में जाएगा नमक, नमक हमने पहले उबाला था उसमें भी डाला था, तो नमक आपका सबसे डालना, ज़्यादा नहीं डालना। अभी डालना है हमें आमचूर यानी आमचूर का पाउडर, एक चम्मच आमचूर का पाउडर डाला है। मुझे थोड़ा कम दिख रहा है लग रहा है, तो मैं थोड़ा और डालूँगी। आपके हिसाब से ज़्यादा खट्टा पसंद है तो ज़्यादा डालना, कम है तो कम डाल लेना। ये देखिए हमारा मसाला बनके तैयार है, अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। ये देखिए हमारी स्टेप भी बिल्कुल ठंडी हो गई। अब इसे हम करेला में भरेंगे। अब हम इसे भर लेंगे करेलों में, तो इसे दबा दबा के भरना है। ऐसे सारे करेले भर लेंगे हम इसे दबा दबा के, बिल्कुल दबा दबा के भरना है। थोड़ा गर्म है, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ, तो इसे हम ऐसे भर लेंगे इसे दबा दबा के। सारा करेला ऐसे ही भर लेंगे हम। ये देखिए हमने सारा करेले को भर लिया है और तेल गरम हो रहा है हमारा। ये देखिए हमारा तेल गरम हो गया है। अब इसमें डाल रहे हैं हम जीरा, जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे। ये देखिए हमारा तेल गरम हो गया है। अब डालेंगे हम ये करेले, एक एक करेले डाल देंगे। ये देखिए हमने सारे करेले डाल दिए हैं और इसे हम मीडियम साइज पर 5 से 6 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसको बार बार ऐसे फेरना है, बार बार प्लेट लाएँ और बार बार इसे बार बार देखना और इस
इसको पलटना है, चलाना है और अब हम ढक देंगे। ढकने से जल्दी पक जाते हैं। ये देखिए और के साथ में हो गई है। अब मीडियम साइज में हमने इसको फ्राई कर ले। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे करेले पक गए। ये देखिए बिल्कुल पक गए हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। ये देखिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने सारे करेले निकाल लिए हैं और बिल्कुल भी इसकी स्टोबी बाहर नहीं निकली है और बहुत अच्छे से बन गए हैं, कोई दिक्कत नहीं आई है। आप भी मेरे तरीके से ज़रूर बना कर ट्राई करना, बहुत बहुत टेस्टी बनते हैं भरवा करेला। तो आप नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और फ्रेंड कमेंट करके बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। आप मेरे तरीके से बनाओगे तो बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी आपके भरवा करेला। और लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। बाय बाय।